आपके साथ हैं। फुलकारी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। फुलकारी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। फुलकारी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी से कई लोगों ने चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन उसके बाद पार्टी बदल चले गई। ऐसे ही नरेला विधानसभा की विधायक शरद चौहान के बारे में भी बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते नजर आए। बख्तावरपुर वार्ड नंबर 5 से बहुजन समाज की पार्टी की प्रत्याशी कविता सेन को बख्तावरपुर वार्ड 5 के क्षेत्र के लोगों का मिल रहा समर्थन। उन्होंने बताया कि इस वार्ड से बहुजन समाज पार्टी के काफी कार्यकर्ता हैं जो कि उनके समर्थन में है, साथ ही अन्य लोग भी उनके समर्थन में है क्योंकि वह बख्तावरपुर की निवासी है और तमाम समस्याओं को भली भांति भी जानती है। इस बख्तावरपुर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है क्योंकि पिछले निगम पार्षद ने इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किए, जिससे बख्तावर वार्ड के सभी लोग पिछले निगम पार्षद के कार्यों से काफी नाराज हैं क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में वोट लेने के बाद जनता से जनसंवाद नहीं किया, लोगों की समस्या नहीं सुनी, सभी समस्या पहले जैसे ही बनी हुई। लोगों को विश्वास था कि यह क्षेत्र में काफी काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने बड़े बड़े दावे करती है उन दावों को भी कहीं ना कहीं पूरा करेंगे, लेकिन यहां ना ही पूर्व निगम पार्षद उन्होंने काम किया और ना ही यहां के आम आदमी पार्टी के विधायक श्री चौहान ने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं किया। पार्टी के प्रत्याशी और उनके पति का साफ तौर पर कहना कि उन्होंने यहां के विधायक को बहुजन समाज पार्टी से निगम का टिकट दिलवाया था और उन्हें इस क्षेत्र से निगम पार्षद भी बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्षद बनने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने क्षेत्र में काम करवाने की बात कहती थी, लेकिन उन्होंने 5 साल तो काम ठीक तरीके से नहीं किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी बदल चले गए और अब वह नरेला विधानसभा के विधायक है। बख्तावरपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कविता सेन का कहना है कि यदि वह यहां की निगम पार्षद बनती है, जनता का और समर्थन मिलता है, तो वह क्षेत्र में तमाम जो काम रुके हुए हैं, जो समस्या है, उस पर वह 1 महीने के भीतर ही काम करेगी और अपने कार्यालय में बैठ जनता की समस्या सुनेगी और उनका भी समाधान जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेगी क्योंकि क्षेत्र में पिछले 5 साल से समस्या को जो अंबार लगा हुआ है उसको वह जल्द से जल्द पूरा करेगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता सैन। मैम, आज आपने गांव में रैली करी थी, डोर टू डोर गए थे, किस तरह का समर्थन मिल रहा लोगों को? बहुत ही अच्छा समर्थन मिला, हमें हर घर जा जा के हमें सबसे मिले, सबने हमारा अच्छे से स्वागत किया। मैम, आपके क्षेत्र में दोनों पार्टी बढ़िया थी, आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के निगम पार्षद थे, तो दोनों ने कितना विकास किया, जनता क्या कहती है? उन्होंने तो कुछ ही विकास नहीं किया, जैसा था ऐसे ही पड़ा, हर जगह पानी भरा, नालियाँ टूटी हुई हैं, कोई सड़कें नहीं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल होते हुए भी जर्जर हो रहा, मगर कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टरों की ना नर्सों की। दावे तो काफी करते हैं दोनों पार्टी, लेकिन काम कुछ भी नहीं करा आपके क्षेत्र में? नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, दावे बस वोट के लिए करते हैं वो दावे, मगर काम के लिए कोई उनका वो नहीं। तो लोग आपको जिताते हैं तो सबसे पहले मुख्य काम आपके क्या होंगे? लोग अगर मुझे इस क्षेत्र से जिताते तो मेरा सबसे मुख्य काम यही होगा कि पानी की निकासी होगी, सड़क अच्छे से बहाल होगी और हॉस्पिटल का अच्छे से इंतजाम है ताकि जो गरीब लोग हैं वो बाहर की तरफ ना जाके सरकारी हॉस्पिटल में ही उनका इलाज हो। ठीक है सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह। सर, आपने डोर टू डोर गए हैं, किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल दिल से लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग तन मन धन से हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। कुलदीप जी, एक बात बताइए, आवाज़ इतनी आवाज़ बुलंद करेंगे, इतना हॉस्पिटल यहाँ पे है लेकिन उसमें सारी सुविधाएं ठप कर दी गई हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा देने के लिए। हमारे गरीब समाज के लोग बेचारे मतलब इतने ज़्यादा दुखी हैं, इसी हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से, इसमें 20-30 बेड की गुंजाइश है, इसको इतना डेवलप करेंगे कि हमारे गरीब समाज के लोग इसमें अपना इलाज करा सकें। सर, बहुजन समाज पार्टी से जो यहाँ के विधायक है वो भी टिकट लेकर आए थे, कहीं ना कहीं लोगों ने भी भरपूर उनको वोट दी थी, जिताया था, लेकिन वो अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए। आप किस समाज पार्टी से कहाँ हैं जी? वो आम आदमी पार्टी से विधायक है एट प्रेजेंट हमारे यहाँ, पहले टिकट लेकर जो वो नेता बनाने का काम इस कुलदीप ने कर रखा है। अच्छा, 2007 में उसको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मेहनत दिला के निगम पार्षद बनाया था, उसके बाद अगले चुनाव में 2012 में उसकी सीट रिजर्व हो गई थी लेडीज़ की, उसकी धर्मपत्नी को हमने टिकट दिखा के उसको बहुत ज़्यादा बहुमत से जिताया। जब वो हमारी पार्टी में था तब तो उसने हमारे कहने पे काम किया, क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ था उस समय। बिल्कुल, लेकिन जब से उसने इसको राजनीति को बिजनेस बनाया है तब से क्षेत्र का विकास रुक गया है, और इससे ज़्यादा बताओ आप, लोग सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मन से हमारे साथ हैं। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए तैयार।